In the hostel campus, we have got four friends here. आप लोग थोड़ा intro का दे सकते हो आप लोगों की? Hello, myself Umar Hamza, first year I'm batch MBBS, and I study in Samarkand Daulat Tabiat Medical Institute. तो मैंने इस institute को कैसे खोजा? Firstly, मैंने Facebook पे इनके post देखे, जिसके through मैं RMC को approach किया. उसके बाद मैंने Axis को approach किया. तो इनके through मैं आया हूँ. इनकी facilities बहुत अच्छी हैं, जैसे कि अगर हमें आप हॉस्टल के बारे में बात करें तो आपको प्रॉपर नीट एंड क्लीन हॉस्टल मिलेगा. आपको हर चीज़ एक मैनर वाइज मिलेगी. जैसे कि आप अगर जाएंगे किसी भी किसी भी रूम में चले जाएं तो आपको एकदम प्रॉपर नीट एंड क्लीन, और हर तीसरे दिन हर तीसरे बंदे का एक डे बना हुआ है. यानी अगर मंडे मेरा है तो अगले दिन किसी और बंदे का, यानी हर दिन आपको सफाई मिलेगी. इसकी वजह से ये मुझे अच्छा लगा यहाँ का सिस्टम. ठीक है, आप बताओ आपके नाम. माई सेल्फ इज तनवीर आलम एंड आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश. आई एम हेयर फर्स्टली आई सा ऑन द आई वॉज सर्चिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट बिकॉज आई डिडेंट सेलेक्टेड इन नीट एग्जाम. डेट्स वाई आई बिगेन टू सर्च. देन आई गोट दैट उज़्बेकिस्तान इज फार बेटर फ्रॉम एवरीवेयर बिकॉज देर इज़ प्रैक्टिकल क्लासेज एंड इन ऑल द एब्रॉड देर इज़ नो प्रैक्टिकल क्लासेज फॉर foreigners like but it is here it's and environment of here is so better like climate is also like Indian. It's also summer and winter and clean hygiene. The first thing is hygiene is very everywhere. You can't even check the dust on the car. It is very hygiene country. Myself Mohammed Haseeb from Uttar Pradesh. मैं यहाँ अपने अंकल के थ्रू आया था, जावेद सर जो यहाँ कंसल्टेंट है. और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें अच्छी है लाइक प्रैक्टिकल एंड हॉस्टल भी अच्छा है. यहाँ का प्रॉपर सफाई होती है एंड लैंग्वेज बैरियर नहीं है. फर्स्टली बहुत मिक्स मतलब पढ़ाई होती है हिंदी इंग्लिश, सो मुझे बहुत अच्छा लगा. हेलो, माय सेल्फ नवीर अहमद. और वैसे तो हर जगह ये सब चीज़ें मिल जाती है जो MBBS के मेडिकल कॉलेज है. इतनी फीस बच्चा देता है, ये साफ़ सफाई वगैरह. एक चीज़ यहाँ की जो विदेश में मिली है वो है यहाँ का मतलब जो टीचर है, मतलब हमें जो टीचर इंडियन और पाकिस्तान से मिले हुए हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम विदेश पढ़ रहे हैं. वही फीलिंग आती है जैसे इंडिया में पढ़ते हैं. और बाकी सब सही है. ओके, तो आप लोगों की क्लासेस खत्म हो गई इस साल की? जी. तो वापस फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, तो वापस कब जाने के लिए प्लान कर रहे हो आप? 8 अक्टूबर जुलाई. वैसे एयर टिकट कितना प्राइस में आते हैं? टिकट प्राइस हाइक रहते हैं. अगर आप पहले कराते हो तो थोड़ा सस्ता पड़ता है. तो आपको टू वे टिकट अभी कितना प्राइस? वी गिव आउट $583. दिस इज राउंड ट्रिप. ओके ओके. तो इधर से कैसे जाएंगे आप समरकंद से? इधर से हम बुलेट ट्रेन से जाएंगे. यहाँ पे 2 घंटा लगता है बुलेट ट्रेन से जाएंगे. कितना टाइम लगता है बुलेट ट्रेन? 2 घंटा लगता है. और व्हाट्स द प्राइस ऑफ द बुलेट ट्रेन फ्रॉम? इट इज 1,25,000 सोम. 1,25,000 सोम लाइक इंडियन रुपी 1,050. ओके. सो बुलेट ट्रेन की वजह से आपका ताशकंद समरकंद जर्नी काफ़ी इजी रहे होगा. या वैसे टैक्सी भी जाती है यहाँ से, वो भी 2-3 घंटे लेती है. आप समरकंद सिटी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि हाउ इज द सिटी? आप लोग समरकंद कैसे लगा सिटी? समरकंद बहुत प्यारी जगह है. आप हर जगह घूमेंगे, कहीं भी आपको हर जगह ग्रीनरी दिखेगी. यहाँ की जो गवर्नमेंट है हर चीज़ वेल मेंटेन रखती है, हर जगह क्लीननेस मेंटेन रखती है. हर चीज़ अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत खूबसूरत है, घूमने लायक है. उज़्बेकिस्तान आने चाहते हो अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आपकी क्या मतलब रिकमेंडेशन है उनके साथ उनके लिए? देखो, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने हर जगह पहले सर्च किया, उसके बाद मैं इधर आया हूँ. और मैंने जहाँ भी देखा कहीं पे प्राइजेज ज़्यादा रहते हैं, कहीं पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, कहीं पे प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं है. यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है. यहाँ पे तुम्हारा एकदम कमर्शियल, जिसका कमर्शियली जो भी के अभी आ सकता है यहाँ पे. यहाँ पे ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता आपको, जैसे अब्रॉड में है, रशिया में, यूक्रेन में बहुत ज़्यादा प्राइजेज हैं वहाँ के. उसके मुकाबले प्राइजेज भी अच्छे हैं यहाँ पे, और एजुकेशन सिस्टम तो है ही. हमारे पाकिस्तानी टीचर्स भी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, और जो लोकल्स टीचर हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं. बाकी इंडियन टीचर्स भी इस साल इंशाल्लाह आ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू.